देखिए भगवान, हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं, और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। देखिए हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं, सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं, दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं। आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। अब रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है उनको, ये बातें मत किया करो आप लोग। मैं बात समझ रहा हूँ जो बात आप कह रहे हैं। ये जो उम्र बढ़ाने की बात थी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी याद कीजिए मेट्रो में शराब बेचना चाहते थे, ट्वीट हो गया बदल गए। उम्र को लेकर के पूरे प्रदेश के नौजवान आकर्षित थे, समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को कहा कि उम्र बढ़ानी चाहिए और कम से कम सरकार ने स्वीकार कर लिया। ये नौजवानों के आक्रोश से डरते हैं, नौजवानों के आक्रोश को देख करके इन्होंने उम्र बढ़ाई है, और उम्र बढ़ाना जरूरी था, ये अच्छा किया उम्र बढ़ा दी, नहीं तो तमाम नौजवान बेरोजगार रह जाते। लेकिन सवाल यहाँ तक नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब है इसलिए नौकरी का दिया है, और ये रिजल्ट वोट पड़ने के बाद भी नहीं आएगा। इसलिए प्रेस के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, अपने पूरे संगठन की महिलाओं का धन्यवाद देता हूँ। बहुत शानदार संगठन की बैठक है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए बधाई। हमें उम्मीद है कि यहाँ पर संगठन के आए हुए सब लोग ये संकल्प लेकर के जाएंगे अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने बूथ पर समाजवादी पार्टी की योजनाओं को, नीतियों को, कार्यक्रम को पहुँचाएंगे और जिताने का काम करेंगे। मैं इन सभी महिला संगठन के पदाधिकारियों का, सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आरक्षण घोटाले के बाद महिलाएं पूरी रात सड़क पर छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठी है। देखिए न केवल ये भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना कि वो न्याय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद मत नहीं करिए न्याय की। भारतीय जनता पार्टी को हराइए तभी न्याय मिलेगा। मैं 69,000 के सभी लोगों को बोलता हूँ, चाहे वो डायल हंड्रेड हो, चाहे जो भी उत्पीड़न और अन्याय का शिकार हुआ है, गैर बराबरी का जो शिकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराओगे तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। चलिए प्रेस हाँ क्या